आज हम करेंगे थोड़ी सी जासूसी। कौन सी सूसी? सूसी नहीं बे, जासूसी। आज हम करेंगे थोड़ी सी छानबीन। ठीक है, मैं चाय छान दूंगा और तुम चावल से कंकड़ बीन के निकाल देना। कब सुधरेगा बे तू? बता रहा हूँ, रुको, म्यूजिक लगाया जाए। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो आज हम करने वाले हैं सौरव जोशी के कुछ पुराने वीडियोस, मतलब कुछ ज्यादा ही पुराने वीडियोस, लगभग 3 साल पुराने वीडियोस और एकदम से लेटेस्ट वीडियोस को कंपेयर, और जानेंगे कि एक व्लॉगर को क्या क्या बदलाव लाने जरूरी होते हैं अपने वीडियोस में। तो सबसे पहली चीज जो मैंने नोटिस करी है वो है जंप कट। जंप कट मतलब कूद के काटो या कूद कूद के काटो? भाई तू रहने दे, तू सुन चुपचाप, ठीक है। इस पॉइंट को अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक पुराना क्लिप चलाया जाए। तो अभी यहाँ से ऊपर को जाना है, यहाँ पे सीढ़ियाँ है, यहाँ से ऊपर को जाना है और चाहेंगे ऊपर से, ऊपर सब बैठ रखे हैं। चला इधर को, चला हमारे इधर को, चल यहाँ पहले इनके घर पे चलते हैं। तो इनके घर पे जा रहे हैं अभी हम, दीपू उनके घर पे जा रहे हैं। काफ़ी चढ़ना ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं है, रोड से थोड़ा सा ऊपर ही है, ज्यादा ऊपर नहीं। इसमें आप जरा गौर फरमाइएगा, सिर्फ इसमें सीढ़ी चढ़ने का कार्य हो रहा है, मतलब कि ये टेंस का सेंटेंस है। सॉरी, पता नहीं क्या बोल जा रहा हूँ। क्या करें, बेचारे का मानसिक संतुलन हिल गया 10 डेज चैलेंज के चक्कर में। तुझे तो बस मौका चाहिए होता बोलने का। आप लोग मुद्दे पे ध्यान दो, ये नौटंकी करता ही रहेगा। वापस पॉइंट पे आते हैं, भले ही ये टेंस का सेंटेंस हो लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस क्लिप में सिर्फ सीढ़ी चढ़ने का काम हो रहा है, मतलब पूरे सीन में एक ही काम हो रहा है और बीच में कोई कट नहीं। अब मैं आपको एक लेटेस्ट क्लिप दिखाता हूँ, चला दे भाई। सबसे पहले आए चप्पल लेने, ये तो टाइट लग रही है। तो हमने यहाँ पे कुछ चप्पल देखी तो अब सोच रहे कि ब्रांडेड ही देखते हैं। गाइस, इस मार्केट में चप्पल मिली नहीं, अभी हम जा रहे हैं किसी शोरूम में। तो अभी हम आए रिलैक्सो, ये सही है, कंफर्टेबल एंड प्रीमियम। पीयूष को चाहिए ये वाली? तो नॉर्मल क्यों ले, नॉर्मल लेना। तो पीयूष को मैंने दिलाई ये वाली, वो वाली कैंसिल कर दी, ये ज्यादा ठीक है। तो मम्मी के लिए हम ये देख रहे हैं, ये डॉक्टर चप्पल है। तो आपने कट्स पर ध्यान दिया, वीडियो में कितने सारे जंप कट्स थे? देखो, वीडियो के वो हिस्से जो उसे इंटरेस्टिंग बनाने के बजाय बोर कर दें उसे हटा दो, और जल्दी ही मैं इसे भी हटाने वाला हूँ। क्या क्या क्या? नहीं, मजाक था भाई, मजाक। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2, जुबा केसरी ना समझ लेना इसको, पॉइंट नंबर 2। चलो चलो मैं भी चलूंगा। किधर? जिस तरफ तुम जा रहे हो। और मैं किस तरफ जा रहा हूँ? अगले पॉइंट की तरफ यार, वैसे कितना दूर होगा यहाँ से? लगता है तुझे हटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब सुनिए पॉइंट नंबर 2। वापस से उसी पुरानी क्लिप पे आते हैं, उसमें एक और चीज नोटिस करने वाली है। क्या नोटिस करने वाली है? वही बता रहा हूँ, सबर कर लो थोड़ा सा। हाँ जी, तो दूसरी बात ये है कि इसमें कोई बात नहीं हो रही, समझाते हैं, रुको। जब भी आप लेटेस्ट वीडियोस देखोगे तो आपको कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, या अगर देखने को मिलेगा भी तो बहुत कम देखने को मिलेगा कि भाई साहब ने कैमरा उठा लिया है और अब सोच रहे हैं क्या बोलना है। लेकिन पुरानी वीडियोस में आपको ऐसा कई जगह देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स का ना आपस में काफी गहरा रिलेशन है। अगर आप वीडियोस के बीच बीच में बोलते बोलते रुक जाते हो या रुक रुक के बोलते हो तो आप जंप कट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, और इसे समझाने के लिए हम आपको एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं। भाई कभी कभी सोचता हूँ ना, ये जो आफत है इसको पटक पटक के मारूं किसी दिन, लेकिन यार फिर सोचता हूँ कि इसे अगर चोट लगेगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। इसलिए नहीं कि ये मेरा भाई है, इसलिए कि इसका जो कैरेक्टर है वो भी मैं ही प्ले करता हूँ। अब हंसो। भाई कभी कभी सोचता हूँ ना, ये जो आफत है इसको पटक पटक के मारूं किसी दिन, लेकिन यार फिर सोचता हूँ कि इसे अगर चोट लगेगी तो मुझे भी तकलीफ होगी। इसलिए नहीं कि ये मेरा भाई है, इसलिए कि इसका जो कैरेक्टर है वो भी मैं ही प्ले करता हूँ। अब हंसो। तो ये थी थोड़ी सी छानबीन, इस बार दोबारा मत बोलना इस चीज पे, ठीक है। तो इस पर और भी थोड़ी सी बात हो सकती थी, लेकिन 10 डेज चैलेंज और हमारे पास मौजूदा समय को मद्देनजर रखते हुए हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि इस वीडियो को यहीं पर बाइज्जत बरी किया जाए। तो बातें करके अच्छा लगा हो तो वापस आइएगा, यही मिलूंगा इसी चैनल पर, आपका भाई नाम है खलील। आफत भी यही मिलेगा भाई लोग। अबे यार, ऑडियंस आ गई यहाँ पे, लाइव ऑडियंस, मतलब पूरे सीन में कौआ चुप हो जाए। एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है।